तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक शहर है। तिरुपति एक अद्भुत शहर है और शानदार और बेहद लोकप्रिय तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर का घर है। तिरुपति तस्वीरों में आपके तिरुपति यात्रा के महान अनुभव की झलक दिखाई देगी। तिरुपति मुख्य रूप से तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर ने इस बात के सम्मान में कहा है कि तिरुमाला मंदिर जाने वाले सभी भक्तों को पहले श्री वराह स्वामी मंदिर जाना चाहिए। मंदिर को दुनिया भर से फूलों का दान भी मिलता है, जो विशेष अवसरों पर प्रतिदिन 100 से 200 किलो से लेकर 35 टन के बीच होता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव ब्रह्मोत्सवम है, जो तिरुपति में भगवान के पौराणिक आगमन का उत्सव होता है। 9 दिवसीय असाधारण यात्रा एक विशाल भीड़ को खींचती है, क्योंकि भगवान मलयप्पा स्वामी को विभिन्न रथों में शहर के चारों ओर ले जाया जाता है। अब हम बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास के बारे में, साथ ही बताने वाले हैं कि यहाँ कैसे आएँ और कहाँ पर रुकें। यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोका वैकुंठम कहा जाता है। इसका अर्थ पृथ्वी पर विष्णु का निवास होता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस काल युग के दौरान अपने भक्तों को मोक्ष के लिए मार्गदर्शन करने और निर्देशित करने के लिए इस मंदिर में खुद को प्रकट किए थे। इस मंदिर की तीन द्वारम यानी प्रवेश द्वार है, जो बाहर से गर्भगृह की ओर ले जाते हैं। इस महाद्वारम को पडिकावली के रूप में भी जाना जाता है। इस महाद्वारम के ऊपर एक 50 फीट 5 मंजिला गोपुरम मंदिर का टावर बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर 7 कलश है। जो पहला प्रवेश द्वार है महापराम यानी बाहरी परिसर के द्वार के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जो दूसरा प्रवेश द्वार है इसे इनर कंपाउंड वॉल के माध्यम से प्रदान किया जाता है, और जो तीसरा प्रवेश द्वार है वह सीधा आपको गर्भगृह में प्रवेश करेगा। इस दरवाजे के दोनों ओर द्वारपालक जया और विजया की दो लंबी तांबे की प्रतिमाएं हैं। लकड़ी का मोटा दरवाजा सोने की गिल्ट की प्लेटों से ढका हुआ है, जिसमें विष्णु के दशावतारम को दर्शाया गया है। अब हम जानते हैं तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान करने से पहले के नियमों के बारे में। तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन से पहले ही आपको बाल दान करने होंगे। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सबसे पहले आपको मंदिर की अथॉरिटीज से ब्लेड खुद लानी होगी। इसके बाद बाल कटवाने के लिए आपको लाइन में लगना होगा। बाल कटवाने के बाद स्नान कर और कपड़े बदल कर ही मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है। तिरुमाला में परिवारों के रहने के लिए मुफ्त कमरे वाले कई बड़े कारवासराय हैं। यहाँ पानी और बिजली भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। मुफ्त आवास के लिए तीर्थयात्री तिरुमाला में बस स्टैंड के पास केंद्रीय रिसेप्शन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तीर्थयात्री TTD द्वारा प्रदान किए गए छात्रावास हॉल में भी आराम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन की। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में ही केले के पत्तों में भोजन परोसा जाता है, जिसमें दही चावल, मीठा पोंगल, मिरियाला पोंगली इत्यादि शामिल है। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे पहुँचे। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको तिरुपति हवाई अड्डा आना होगा। यह हवाई अड्डा तिरुमाला में स्थित है, जो शहर के केंद्र से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। तिरुपति हवाई अड्डा चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर के हवाई अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप वहां से टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं, और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि तिरुपति रेलवे स्टेशन दक्षिण भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने के बाद आप टैक्सी के द्वारा तिरुपति बालाजी धाम पहुँच सकते हैं। अगर मेरे दिए हुए जानकारी से आपको ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।